फिल्मों के बाद अब सियासी पारी शुरू करने की तैयारी में खेसारी लाल यादव, सपा प्रमुख से मुलाकात के बाद बढ़ गया सियासी तापमान। खेसारी लाल यादव के सपा प्रमुख से मिलने के बाद तमाम भोजपुरी स्टार भी अब इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। पवन सिंह, निरहुआ, मनोज तिवारी, रवि किशन तक, इन सब की धड़कनें अब तेज हो गई हैं। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है और क्या खेसारी लाल का आगे का प्लान है? क्या वाकई सपा की साइकिल की सवारी करने वाले हैं खेसारी लाल यादव? इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र यादव। द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जब जब चुनाव आता है तो बीजेपी सबसे ज़्यादा फिल्मी कलाकारों पर दाव लगाती है और अब लगता है कि यही चाल सपा प्रमुख को भी समझ आ गई है और सपा प्रमुख ने भी अब तैयारी कर ली है कि वह भी अब फिल्मी दुनिया के दिग्गजों को साथ लेकर चलेंगे। इसी कड़ी में खेसारी लाल यादव को सपा ने अपने पाले में करने की तैयारी की है। सपा की इस चाल से अब हलचल भी तेज हो गई है। खेसारी लाल यादव ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो भोजपुरी सिनेमा के कई दिग्गजों की सांसें फूलने लगी, क्योंकि अब तक सिर्फ खेसारी लाल ही ऐसे बचे थे जो सियासत में नहीं आए थे, वरना पवन सिंह, निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी से लेकर तमाम दिग्गज तो सियासत में पहले से ही जमे हुए हैं। एक बार फिर सियासी गठजोड़ शुरू हो गई है और एक बार फिर से सपा चुनावी मूड में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी ने इतना तो साफ कर दिया है कि अब वह चैन से नहीं बैठेगी और ना ही बैठने देगी। भोजपुरी सुपर स्टार खेसारी लाल यादव और समाजवादी पार्टी के युवा नेता उमेश यादव और शिवराम यादव ने दिल्ली में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। दरअसल लोकसभा चुनाव में भोजपुरी स्टार के जलवा बिखेरने के बाद अब विधानसभा चुनाव में भोजपुरी स्टार को मैदान में उतारने की तैयारी अखिलेश यादव ने कर ली है। इसलिए पार्टी ने भोजपुरी स्टार्स के लिए दरवाजे खोलने के संकेत दे दिए हैं। खेसारी लाल यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है बीजेपी के कलाकारों को चुनौती देने के लिए अखिलेश यादव अब अपनी तैयारी करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने खेसारी लाल यादव से मुलाकात की। हालांकि खेसारी लाल यादव से मुलाकात के बाद ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है जिससे संकेत मिले कि खेसारी लाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ आने वाले हैं, लेकिन इन सियासी जानकारों का दावा है कि अखिलेश यादव हर उस पहलू पर काम करना चाहते हैं जिससे कि बीजेपी को टक्कर दी जा सके और बीजेपी को टक्कर देने के लिए ही खेसारी लाल यादव जैसे सुपरस्टार को अखिलेश यादव ने अपने साथ लाने की प्लानिंग की है। खेसारी लाल यादव से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया, लेकिन राजनीति में कब कहां क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं होता है। हालांकि खेसारी लाल यादव और अखिलेश यादव की जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें दोनों का एक बड़ा ही खुशनुमा अंदाज देखने को मिला है और यह तस्वीर हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल हो रही है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा कि कला और कलाकारों का साथ सृजनात्मकता और सकारात्मकता दोनों को बढ़ावा देता है। वहीं खेसारी लाल यादव ने भी अखिलेश यादव की पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि यह सुखद भेंट हमेशा जेहन में रहेगा भैया, यह मुलाकात एक कलाकार और एक नेता की नहीं कि दो भाइयों की थी, मैंने आज महसूस किया। इतने व्यस्तता में भी मुझे समय देने और एक बड़े भाई के समान दुलार देने के लिए दिल से प्रणाम व धन्यवाद भैया। मेरी बस यही प्रार्थना है कि आपको मिला ये जनाधार ऐसे ही बरकरार रहे। कलाकारों के प्रति जो स्नेह व सम्मान आपके दिल में है उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, अखिलेश यादव भैया। तो खेसारी लाल यादव ने अपने पोस्ट में
ये सारी बातें लिखी हैं। लोग इन तस्वीरों को देखकर यह दावा कर रहे हैं कि खेसारी लाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं और अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि खेसारी लाल यादव के आरजेडी में भी शामिल होने के दावे किए गए थे, लेकिन वो दावे सिर्फ कोरे दावे ही साबित हुए। खेसारी लाल यादव ने आरजेडी ज्वाइन नहीं की। अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के कई संकेत सामने आ रहे हैं और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में फैसला क्या होता है और क्या वाकई खेसारी लाल यादव साइकिल की सवारी करते हैं या नहीं, यह तो समय बताएगा। फिलहाल चर्चाओं का माहौल गर्म हो चुका है। इस खबर में इतना ही। वैसे अखिलेश यादव और खेसारी लाल यादव की मुलाकात को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अन्य तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।